देना भाई। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है ब्लॉग बनाने में। क्या लग यहाँ पे बाय बाय नानी जी भी बैठी है। तो गाइज नानी जी बैठी है यहाँ पे, सुनील भैया बैठे हैं। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद जो हमारा ब्लॉग है वो बन रहा है। तो दोस्तों उसका एक रीज़न था, मेरे मुंह में क्या है छाले हो रहे थे, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। और अभी भी पूरी तरीके से मिटे नहीं हैं, लेकिन अब थोड़े बहुत कम हो चुके हैं, तो थोड़ा बोल लूँगा। तो ये देख सकते गाइस इधर की तरफ हो रहे हैं छाले। तो क्या है दोस्तों पूरा मुंह भर गया था, गले तक पहुंच गए थे छाले, तो इस वजह से मैं क्या है ब्लॉगिंग नहीं बना पा रहा था। और दोस्तों आपको ब्लॉग नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब ब्लॉग आएंगे हमारे। तो गाइस अभी चाय पी रहा हूँ, तो ये देख सकते हो दोस्तों ये अगर हमें चाय, साथ ही में दोस्तों ये है ठोस जो कि गाइस चाय के साथ खाएंगे। तो दोस्तों चाय वाय पीते हैं, और आप भी चाय वाय पी लो, सुबह की चाय है दोस्तों ये, मैं क्या आज ले चुका था। तो दोस्तों अभी चाय मिल रही है, तो गाइस चाय वाय अपनी फिनिश हो चुकी है, तो अब बैठते हैं दोस्तों काम करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी साड़ी टिकी हुई है, देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, ओनली फॉर ये सफ़ेद सफ़ेद बूटे दिख रही है, ये वाली तो यही रह गई है। तो दोस्तों अभी फटाफट से काम करने बैठते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों काम ही नहीं होता दोस्तों, क्या करें, काफ़ी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों फटाफट से काम करने बैठते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। बाकी आप बने रहिएगा ब्लॉग पे कंटिन्यू, और ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों फटाफट से करते हैं काम। फाइनली जो अपनी साड़ी है वो हो चुकी है, इधर जुटे वाले इधर से बूटिया खोल दी हमने, और ये अभी साड़ी रही है कंप्लीट हो चुकी है वैसे, और अब इसको खोलना बाकी है। तो इसको खोलेंगे फिर इसको आगे टाकेंगे। तो गाइस फटाफट से इसको खोलते हैं और फिर इसको आगे टाकते हैं। फाइनली साड़ी अपनी टक चुकी है, आप देख सकते हो फाइनली साड़ी को टांग दिया मैंने, खोल के वापस से टांग दिया। और दोस्तों अभी इसकी इधर से सफाई होगी, इसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट होगी, काम करेंगे तब होगी, ऐसे तो नहीं होगी। तो दोस्तों फाइनली टांग दिया, टाइम आप देख सकते हो दोस्तों टाइम कितना होना हो चुका, 2:30 बज चुके हैं अभी। और दोस्तों फाइनली अभी मैंने साड़ी वाड़ी टांग दी वापस से, तो अब इसकी छपाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों वापस से काम करेंगे। तो दोस्तों बाहर धूप देख सकते हो, इतनी भयंकर धूप हो रही है बाहर, काफ़ी ज़्यादा भयंकर धूप हो रही है। तो गाइस फटाफट से इसकी छपाई वपाई करेंगे और फिर काम वाम करेंगे वापस से। फिर फाइनली छपाई तो हो चुकी है, और अभी देख सकते हो गाइस इनको चिपका रहा हूँ, पत्तियाँ चिपका रहा हूँ, ये वाली पत्तियाँ, तो ये एक तो चिपका दी मैंने, और दोस्तों अब ये चिपकाऊँगा ये वाली आगे वाली। तो गाइस अभी इधर चिपकाते हुए चलेंगे ऐसे। तो गाइस मैं इनको चिपकाता हूँ, और आप तब तक क्या कर लो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके बाद मिलते हैं दोस्तों आखिर से। तो गाइज अभी हमारे यहाँ पे मिर्ची पीस रहे थे, तो गाइज मिर्ची पीसते टाइम जो हमारी मिक्सी है इसमें से दोस्तों धुआं निकलने लग गई, मिक्सी में से नहीं निकल रही दोस्तों, ये जो जार है मिक्सी पीसने का, तो इसमें से धुआं निकल रही है, पता नहीं क्यों निकल रही है। और दोस्तों जो मिर्ची है वो भी पीसी नहीं, ये देख सकते इतनी सी मिर्ची पीसी है अभी, तो पूरी मिर्ची नहीं पीसी। और दोस्तों ये वाला जार कल टूट गया, ये देख सकते हो गाइज नीचे से ये टूट गया, इसके अंदर लगाने का ऐसे फूटे होते हैं ना, टूट गए यहाँ से। इसको तो दोस्तों मैंने बाद में पैक करा था, पूरा खुल गया था। तो देख सकते हो दोस्तों ये मिक्सी है जो इनामे वगैरह बेचने आते हैं ना, ये उनमें से निकली हुई है। तो ये देख सकते हो एलजी की है, जो कि गाइस उसके अंदर से निकली थी, और ये टेम्परेली आती है दोस्तों, मशीन तो सही है लेकिन ये जो जार है वो ऐसे ही टेम्परेली है। तो दोस्तों टूट गए देख सकते हो नीचे से, और ये बाकी ये है, ये दोस्तों ऐसे ही है ठीक नहीं है। तो बाकी दोस्तों अभी इसके अंदर से धुआं निकल रही थी, तो इसको बंद कर दिया, काफ़ी ज़्यादा हीट भी कर रही है ये। और दोस्तों आज बन रही है फली की सब्ज़ी। भाई जी देख सकते हो ये वाला जार ख़राब हो गया, इसमें से धुआं निकलने लग गई, और अभी मम्मी जी हमाम दस्ते में कूट रही मिर्चियों को, पहले दोस्तों इसके अंदर से पीसी थी, तो ये देख सकते हो दोस्तों ऐसी पीसी है, और फिर इसके बाद धुआं निकलने लगे इसमें, तो अभी हम हमाम दस्ते में कूट रहे हैं। तो वो अभी दोस्तों तेल डाल के ये देख सकते हो, मैं तो फर्स्ट बार देख रहा हूँ ऐसे कूटी जाती है मिर्चियाँ। दोस्तों इधर हमारी हरी सब्जियाँ वगैरह बो रखी है, ये देख सकते हो सेम की बेल जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और इधर लौकी की बेलें, गवार भी दोस्तों ख़त्म हो गए अब, तो थोड़ी बहुत हो रही है, आ रही है फलियाँ अभी। दोस्तों दादाजी ने खेत भी बोआ दिया, इसके अंदर बोए हैं चने, तो गाइस अभी देख सकते हो ज़मीन पूरी सूख चुकी है, और इसके अंदर चने बोए हैं अभी, तो कब तक उगेंगे वो आप सभी को बताएंगे बाद में।
ये देखते हो दोस्तों बैंगन, इसके पत्ते सूखने लग गए, देखते हो दोस्तों पत्ते सूखने लगे इसके। तो गाइस अभी आप सभी को ड्रेस चेंज लग रही होगी क्योंकि दोस्तों अभी मैं नहा के आया हूँ और शाम हो चुकी है, सूरज अभी जाने वाले हैं पहाड़ के पीछे आप देख सकते हो। और दोस्तों अभी नहा धो के आया हूँ मैं, कैसा लग रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है ब्लॉग बनाने में, क्या लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन तो नहीं 10 दिन तो हो ही चुके हैं लगभग ब्लॉग बनाए हुए, तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना और आपके भाई को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देना था कि आपका भाई फिर से ब्लॉगिंग कंटिन्यू करे। और जैसा भी है दोस्तों अभी का सीन कुछ ये है, शाम हो चुकी है ये देख सकते हो दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों बारिश बंद हुई हरियाली वापस से गायब होना स्टार्ट हो चुकी है। जब बारिश हुई थी ना बारिश के टाइम पे तो इतनी भयंकर वाली हरियाली हो चुकी थी चारों तरफ ये देख सकते हो, और अब वापस से जो हरियाली है वो सूखती जा रही है और जो हरियाली है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे खेत के अंदर कितनी हरियाली हो चुकी थी, फिर सूख गई, फिर दादाजी ने इसकी बुआई करवा दी, तो अब इसके अंदर चने बोए हैं और जब चने निकलेंगे तब आप सभी को दिखाएंगे। और दोस्तों जब चने आएंगे तब चने खाएंगे भी, बहुत मज़ा आएगा, पहले निकलने देते हैं क्या पता, तो दोस्तों पहले निकलने देते फिर खाएंगे। बाकी अभी इस चारों तरफ का व्यू देख सकते हो दोस्तों कुछ ऐसा है। तो गाइस अभी चाय बन चुकी है हमारी रात की शाम की, तो गाइस अभी मैं चाय गर्म कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत चाय रही है मेरे लिए, तो अभी चाय गर्म करके डालता हूँ इसमें और दोस्तों चाय पीता हूँ अभी। और अभी चलते हैं दोस्तों बाहर, बाहर क्या है दोस्तों कीड़े आ रहे हैं बहुत भयंकर वाले, तो दोस्तों अभी चाय गर्म करके डालता हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हो बाहर अंधेरा हो चुका है और अभी चाय डाल के लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों मम्मी जी बैठी हुई है और हमारी नानी जी आई हुई है, तो नानी जी बैठी हुई है यहाँ पे, बाय बाय नानी जी भी बैठी है। तो गाइज नानी जी बैठी है यहाँ पे, सुनील भैया बैठे हैं और गाइज अभी चाय पी रहे हैं, मम्मी जी बैठी है और बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सभी भी बातचीत कर रहे हैं। और दोस्तों अभी चाय पी लेते हैं उसके बाद दोस्तों खाना बन चुका है हमारा। और बाकी देख सकते दोस्तों अभी कीड़े आ रहे हैं बहुत भयंकर वाले लट्टू के पास में, तो चाय पी लेते हैं। तो गैस अभी खाना आ चुका है हमारा, तो गैस खाने के अंदर देख सकते हो यहाँ पे है फली की सब्ज़ी और यहाँ पे है पास्ते की सब्ज़ी मैक्रोनी की, साथ ही में रोटी। और गैस मैंने फली की सब्ज़ी थोड़ी बहुत ली है क्योंकि दोस्तों फली की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरी जीभ है छुल जाती है, छुल के निकालने में इनके, तो दोस्तों मैं पास्ते की सब्ज़ी से खा रहा हूँ, पहले ही छाले हो रहे हैं तो दोस्तों जीभ छुल जाती है, तो दोस्तों खाना वाना खा लेते हैं और फिर दोस्तों भी मैक्रोनी की सब्ज़ी के साथ खा रहा हूँ रोटी। एकदम अच्छी लगती है दोस्तों मैक्रोनी की सब्ज़ी भी, शानदार, कभी बना के देखना बहुत अच्छी लगती है। तो खाना वाना खा के आ चुके हैं और दोस्तों अब आज की इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं ऐसे प्यारे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।